दोस्तों, सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन में भगवान शिव की आराधना पूरे भक्ति भाव के साथ की जाती है। इसी महीने में शिव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी खास संबंध है। जी हाँ, इसी दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ कान्हा जी की भी आराधना की जाए तो दोगुना फल प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा के साथ कृष्ण जी की पूजा आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बातें। दरअसल धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी एक महीने तक श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। मान्यता है कि भोदू की कृष्ण जन्माष्टमी तक कान्हा की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आठवें और सबसे लोकप्रिय अवतार भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। चतुर्मास को तप और साधना का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में सावन से लेकर भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हरे राम हरे कृष्ण हरे मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण के इस मंत्र में भक्त को नियंत्रित करने की क्षमता है। सावन में कान्हा के इस मंत्र जाप से मानसिक तौर पर शांति मिलती है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने में ये मंत्र बहुत फलदायी साबित होता है। सावन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश के रूप में की जाती है। मान्यता के अनुसार मथुरा में जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने बसने के लिए द्वारका नगरी को चुना था। सावन में इनकी आराधना से आरोग्य का वरदान मिलता है। ग्रंथों के अनुसार वसंत के बाद श्री कृष्ण इसी महीने में रास रचाते हैं। विशेष तौर पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा गोकुल बरसाना और वृंदावन में सावन उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी तक धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि सावन में आखिर श्री कृष्ण की पूजा क्यों की जाती है और इस पूजा को करने का आखिर महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।